हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक छोटी सी एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम। जी हां दोस्तों, एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम, इसका इस्तेमाल हम कहां पे करेंगे, किस सिचुएशन में करेंगे, देखते हैं दोस्तों। गाइस, ई से चालू होगा ये, ई एस टी आर ए एन जी ई डी, एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम। इसका मतलब होता है नो लॉन्गर हैविंग अ रिलेशनशिप विद समवन। यानी कि मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ साथ थे और अब हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, यानी कि अब उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। और हस्बैंड वाइफ ही नहीं, किसी भी रिश्ते में आप पहले जितना इन्वॉल्व थे अब आप बिल्कुल अलग हो गए हैं, उससे आप कोई लेना देना नहीं है, कोई अब रिलेशनशिप नहीं बचा है, तो वहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम। अगर मैं किसी से दूर हूं तो आई एम एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम, आप अगर दूर हैं यू आर एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम, वह अगर दूर है ही इज या शी इज एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद जिससे दूर है उसका जिक्र करना है। मैं आपसे दूर हूं, अलग हूं, अब हमारा कोई रिलेशन नहीं है, आई एम एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम यू, ऐसे इस्तेमाल करना है दोस्तों। आइए देखते हैं, एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम में अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, मतलब एम इज आर हैव बीन हैज बीन ऐसे भी लगा सकते, वाज वर, उसके बाद लगाइए एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम, फ्रॉम के बाद आप जिससे अलग हैं, मी हिम हर यू ऐसे करके हम बात करेंगे। एग्जांपल के तौर पे यह है कि ही इज एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम हिज वाइफ, यानी कि वह दूर है अपनी वाइफ से, दूर है, इट मींस एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम का मतलब है नो लॉन्गर हैविंग अ रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप नहीं है, नो लॉन्गर, अब रिलेशनशिप नहीं है, वो अलग है, वो दूर है। दूर है मतलब कि अब रिश्ता नहीं बचा, ऐसा नहीं कि कहीं दूर जाके रह रहा है, रिश्ता ही नहीं बचा अब, तो एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। एक और देखिए, शी हैज बीन एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल से वो अपने पति से अलग है, यानी कि अब 5 साल से उनके बीच रिलेशनशिप नहीं है, यहां हम बोलते हैं एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम। एक और है यहां पर, ये तो आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि आई एम एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम, यू आर एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम, लेकिन आप इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते कि मैं तुम्हें उससे दूर कर दूंगा, यानी कि कुछ ऐसा कर दूंगा कि अब तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रहेगा। तो वहां पर आप कैसे यूज करेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब उठाइए, अगर कर दूंगा तो विल है तो विल उठा लीजिए, कर दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव हैज उठा लीजिए। उसके बाद आप इस एस्ट्रेंज को टेंस के हिसाब से चेंज कीजिए, एस्ट्रेंज फर्स्ट फॉर्म, मतलब एस्ट्रेंज्ड सेकेंड फॉर्म, एस्ट्रेंज्ड थर्ड फॉर्म, ऐसे आप इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद किसे आप दूर करेंगे, जैसे मैं तुम्हें दूर कर दूंगा, आई विल एस्ट्रेंज यू, आप मुझे दूर कर दोगे, यू विल एस्ट्रेंज मी, ऐसे इस्तेमाल कीजिए। ये बोलने के बाद फ्रॉम लगाइए, किससे दूर करेंगे, फ्रॉम योर फादर, फ्रॉम योर मदर, फ्रॉम योर वाइफ, फ्रॉम दिस सोसाइटी, फ्रॉम के बाद आप उसका जिक्र करेंगे, ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कि दिस एक्टिविटी विल एस्ट्रेंज यू फ्रॉम योर फैमिली, यानी कि तुम्हारी ये जो एक्टिविटी है, ये जो तुम एक्टिविटीज करते हो, ये तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग कर देगी, दूर कर देगी, ऐसे आप इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है ये। एक और देखिए, His lifestyle, किसी का कोई lifestyle है, His lifestyle estranged him from his parents, उसकी ऐसी lifestyle है जिसने उसको उसके माता पिता से अलग कर दिया है, दूर कर दिया, तो कुछ ऐसी lifestyle होगी जो parents को पसंद नहीं होगा, तो estrange कर दिया, ऐसे इस्तेमाल कीजिए। एक और देखिए, Your ego will estrange you from your wife, तुम्हारे पास जो ego है ना, ये तुम्हें तुम्हारी पत्नी से दूर कर देगा भाई, इस ego को हटा दो। तो आम जिंदगी में बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रक्चर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि यार तुम्हारे ये एक्टिविटीज ना तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग कर देंगे भाई, दूर कर देंगे, योर सच एक्टिविटीज विल एस्ट्रेंज यू फ्रॉम योर फैमिली। तो यही है आपका दोस्तों एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम, या आप इसे इस फॉर्मूले से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको दो एंगल से इसको दिखाया है, या तो आई एम एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम, यू आर एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम, मैं अलग हूं तुम अलग हो, या आई विल एस्ट्रेंज यू फ्रॉम फलाना, यानी कि मैं तुम्हें फलाने से अलग कर दूंगा, ऐसे इस्तेमाल कीजिए। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, इस पर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में,
टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज़।